हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिक बोट नेक बनाना सीखेंगे, जिसके लिए ये बुकरम मैंने ली है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है मैंने। बेसिक बोट नेक थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए हम गले की चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे। हम नॉर्मल गले की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच लेते हैं, पर बोट नेक की चौड़ाई 4.5 से 5 इंच होती है। मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। हम यहाँ पे भी सिमिलरली 4.5 इंच चौड़ाई लगाएंगे। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और गले की लंबाई भी हम अभी नाप लेते हैं, वो हमारी होगी 4 इंच। आप चाहे तो 4.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे निशान। आइडियली 4 इंच ही रहती है बोट नेक की लंबाई। अब हम यहाँ पे भी एक लाइन लगाएंगे। अब हम एक गोलाई करेंगे यहाँ पे ऐसे। अगर आपको इस तरीके से रफली गोलाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको कॉर्नर से 1.2 इंच ऊपर की तरफ ले लें और फिर आराम से आप सर्कुलर शेप अंदर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको काट देंगे। ये हमारा बोट नेक कट गया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से जॉइन करेंगे। मैं पहले इसको पिन्स लगा के सिक्योर करूँगी, क्योंकि मुझे सिलाई करते हुए पिन्स लगा के सिलना ही कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इससे मेरा कपड़ा हिलता नहीं है अपनी जगह से। एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम कट कर लेंगे। अब हम इसको कच्चा टांका से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले एक सिलाई यहाँ दे देंगे हम। अगर आप फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो चिपकने वाली बुकरम होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये वाली सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट के भी सिलाई करेंगे इस तरीके से। जो बाहर हमने मार्जिन छोड़ा था उसको अंदर दबा देंगे। अब हम ऊपर से गले को सीधा कर लेते हैं। और इसको पलट के इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। कैंची से हम छोटा सा एक नॉच ऊपर लगाएंगे और एक बिल्कुल छोटा सा नॉच नीचे की तरफ लगाएंगे। ये हमारा कमीज का अगला हिस्सा है। इसका भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे अच्छे से चौक से, और इस गले को हम बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको पिन्स लगा के बिल्कुल अपनी पोजीशन पे सिक्योर कर दूंगी। और यहां से हम इसको सिलाई लगाएंगे पक्के टांके से, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई हम लगाएंगे। अब हम इसकी पिन्स को रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को काट देंगे। मार्जिन काटने के बाद हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इसके ऊपर। नॉचेस लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर एक कच्चे टांके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे।
ये मैंने ब्लू कलर की पाइपिंग ली है। इस तरीके से स्क्वायर कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ट्रायंगल्स की शेप में और इसको इस तरीके से काट लेंगे। ये उरेब पाइपिंग हमने बनाई है क्योंकि गोल गले पे लगानी है। अब हम सबसे पहले इसकी एक पट्टी बनाएंगे इस तरीके से, इसको फोल्ड करके, इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर हम। सिलाई लगा ली है हमने, ये हमारी एक पाइपिंग तैयार हो गई है इस तरीके की। अब हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ नजर आएगी, बाकी सारी अंदर दब जाएगी। पीछे की तरफ हम तुरपाई करेंगे। अब ये पाइपिंग अटैच करेंगे इसके साथ। मैं थोड़े से डार्क कलर के धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ पाइपिंग लगाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। आप सेम धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से हमें पाइपिंग लगानी है इसके ऊपर। ये देखिए बारीक बारीक पाइपिंग बाहर की तरफ दिखनी चाहिए और बाकी अंदर की तरफ दब जानी चाहिए। हमारी पाइपिंग लग चुकी है। गले के पिछले तरफ हम तुरपाई करेंगे और कच्चा उधेड़ देंगे। ये हमारा बोट नेक भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बोट नेक रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।